एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिविनिटी टैरोस एक्सपर्ट ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि हु विल यू मैरी, हु इज योर फ्यूचर स्पाउस, आपकी शादी किससे होगी एंड वो किस तरह से होंगे, उनकी क्वालिटीज क्या होंगे। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस के तौर पे हम यहाँ पे चैनलाइज स्टेटमेंट्स देखेंगे ताकि और क्लियर हो जाए कि वो इंसान कौन है। उसके साथ साथ टैरो कार्ड्स भी शफल होंगे एंड डेफिनेटली आई डू बिलीव लाइक दैट आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तभी भी आप देख सकते हैं, अगर आप सिंगल है, सेपरेटेड है, डिवोर्स्ड है, इफ़ यू वॉन्ट अ सेकेंड मैरिज, थर्ड मैरिज, यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, कोई भी स्टेटस आपका हो सकता है, मैरिटल स्टेटस कुछ भी हो सकता है आपका। अगर आप एंगेज है तभी भी आप चेक कर सकते हैं। नाउ इट इज अ जनरल प्रेडिक्शन, इट मे और मे नॉट रेजोनेट, सो टेक इट वट एवर इट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudakshina1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। देख लेते हैं कि हम आपको जो भी आपको बताएंगे आप उसको डेफिनेटली नोट डाउन करेंगे। यहाँ पे दो दो ग्रुप्स बने हैं, यू कैन सिलेक्ट ग्रुप है और सिलेक्ट ग्रुप भी आप पिक अ कार्ड कर सकते हैं। यू कैन सिलेक्ट दिस कार्ड और दैट कार्ड, दिस इज फॉर ग्रुप नंबर ए एंड दिस इज फॉर ग्रुप नंबर बी। ओके, या आप सिलेक्ट कर सकते हैं बाय योर डेट ऑफ बर्थ। सो ग्रुप ए, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1st, 2nd, 3rd, 6th, 10th, 11th, 12th, 15th, 16th, 19th, 20th, 24th, 27th, 28th and 29th, तो आप आते हैं ग्रुप ए में। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 4th, 5th, 7th, 8th, 9th, 13th, 14th, 17th, 18th, 21st, 22nd, 23rd, 25th, 26th, 30th and 31st, तो आप आते हो ग्रुप बी में। सो लेट्स स्टार्ट विद ग्रुप ए, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। टाइमलेस है फॉर ऑल जोडियक साइंस एंड इट इज अ जनरल प्रेडिक्शन। ओके, हाय हेलो ग्रुप ए। सो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1st, 2nd, 11th, 12th, 15th, 16th, 19th, 20th, 24th, 27th, 28th and 29th, या अगर आपने ये पिक्चर सिलेक्ट किया है सो ऑफ कोर्स ये रीडिंग आपका है। सो देख लेते हैं कि गाइस क्या है। सो हम यहाँ पे इस चीज को रखते हैं। सो लेट्स सी। सो ग्रुप नंबर ए, सो 1st, 2nd, 3rd, 6th, 10th, 11th, 12th, 15th, 16th, 19th, 20, 24th, 27th, 28th and 29th। लेट मी शफल मोड, जितना हम शफल करेंगे उतना अच्छा है। ओके, सो वी डू हैव द फोर ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे है हमारे पास किंग ऑफ शैलिसेस, वी डू हैव द क्वीन ऑफ एथेंस, वी डू हैव द नाइन ऑफ पेंटिकल्स, वी डू हैव द सेवन ऑफ शैलिसेस, वी डू हैव द थ्री ऑफ एथेंस। इसको हम यहाँ पे रख देते हैं ताकि हम को दिखाई दे पूरी तरह से आपको। ओके, द एम्परर, द हॉर्न गॉड, फाइव ऑफ एथेंस, वी डू हैव द किंग ऑफ एथेंस, वी डू हैव द सिक्स ऑफ शैलिसेस।
बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द सीडी, दैट इज द टेम्परेंस कार्ड. ठीक है, ओके. बेसिकली है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या और मकर राशि यहाँ पे है. कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो यहाँ पे है. कर्क, वृश्चिक और मीन राशि. एक्वेरियस, जेमिनाई, लीब्रा, कुंभ, मिथुन और तुला राशि. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या, मकर राशि. अगेन द वाटर साइंस, एयर साइन, फायर साइन, अर्थ साइन आर ऑल इम्पॉर्टेंट. ठीक है, एरीज एंड स्कॉर्पियो आर इम्पॉर्टेंट. एक्वेरियस, जेमिनाई, लीब्रा इज अगेन इम्पॉर्टेंट. द टेम्परेंस, सजिटेरियस. सो सारे साइंस आ चुके हैं, सो यू डोंट नीड टू वरी. 4, 9, 7, 3, 444 हो सकता है कि आप देखें, या 11, 11 आप देखें, एंड 6 हो सकता है कि आपको 44 या 444 मेरे वीडियो के बाद ही आपको दिखाई दे. दूसरा चीज़ है आपके पर्सन की नक्षत्र. थोड़ा सा मैं कहना चाहती हूँ क्योंकि कुछ लोग नक्षत्र जानते भी होंगे, मे बी आपके हो सकते हैं या आपके फ्यूचर पार्टनर के हो सकते हैं. सो मे बी इट्स अ मघा नक्षत्र. मघा नक्षत्र इज क्वाइट प्रोमिनेंट. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि दिस वन अश्लेषा नक्षत्र हो सकता है. कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि यस दे कैन बी लाइक मृगशिरा नक्षत्र. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि उनकी आयुष्मान योग हो सकती है. बहुत अच्छा योग है वो, आयुष्मान योग हो सकता है. धनिष्ठ नक्षत्र हो सकता है. एंड आई डू फाइंड लाइक दैट कि शतविषा नक्षत्र हो सकता है, दैट इज अ वेरी गुड नक्षत्र. ओके, एंड हस्ता नक्षत्र भी हो सकता है. ऑल राइट, अभी इनके प्रोफेशंस मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ. दे कैन बी हैंडलिंग फाइनेंसेस अ लॉट, या इनके जो इनके क्या है ना, इनके उसूल इस तरह से है कि घर के ऊपर खर्चा ज़्यादा करना है, बट मूवेबल एसेट जैसे गाड़ी, ठीक है, जिसको आप मूव कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं, सो वो एसेट के ऊपर इन्वेस्टमेंट उनका कम होगा. मे बी दे इन्वेस्ट लेस इन कार्स, मोर इन हाउसेस. ठीक है, गाड़ी उनकी जो कैपेसिटी है उनसे वो ज़्यादा खरीद सकते हैं. ठीक है, बट दे हैव मच मोर डेकोरेटेड हाउस. ठीक है, रात के समय पे काम करते हैं जब सब लोग सो जाते हैं, बिकॉज दे फील लाइक कि वो समय ऐसा होता है कि नॉइजलेस है, नॉइज फ्री जोन हो जाता है, बिल्कुल शोर नहीं, शब्द नहीं, आवाज़ नहीं, और वो ध्यान से अपना काम कर सकते हैं. इफ़ दे आर वर्किंग फ्रॉम होम दे विल डू लाइक दैट. अगर इनकी क्लिनिक अपने घर में ही है, अगर इनकी कंसल्टेंसी, हो सकता है कि लॉयर है तो हो सकता है कि घर में बैठ के ये कंसल्ट करते हैं, तो जो भी क्लाइंट्स उनको कुछ फॉर्म्स डॉक्यूमेंट्स देके जाते हैं, सो रात के समय इनको अच्छा मिलता है प्रोसेसिंग करने का डॉक्यूमेंट्स. दे मे बी वर्किंग ऑन कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स नो मैटर व्हाट. सो बेसिकली ये इंसान को कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है बाकी लोगों के लिए. दे आर द बॉस बेसिकली ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. अगर ये खुद के बिजनेस भी लीड कर रहे हैं, अगर इनके पास 4-5 लोग भी इनके अंडर काम कर रहे हैं, तो काफ़ी प्रेशर के साथ काम करते हैं, क्योंकि इनकी कमांड जो है लैंग्वेज के ऊपर भी बहुत बढ़िया है. जो भाषा ये बोलेंगे एकदम स्पष्ट रूप से बोलेंगे. ये लोगों को मदद भी करेंगे लेकिन हुकुम भी करेंगे, जिस तरह से एक महाराज होते हैं, जिस तरह से एक शहनशाह होते हैं. दे केयर फॉर पीपल ऑल्सो, दे विल ऑल्सो ट्राई टू मोर यू कैन से डोमिनेट पीपल, क्योंकि उनका ही राज चलेगा. इस तरह से उनका लुकआउट होता था, राइट. काफ़ी लैविश लाइफस्टाइल है, अच्छे अच्छे लग्जरी फूड्स खाना, ठीक है, इवन डिस्ट्रीब्यूट भी करना. ऐसा नहीं कि सिर्फ खाते ही जाओ, बट डिस्ट्रीब्यूट करना ऑल टाइप ऑफ एग्जॉटिक डिशेस, जितने भी डिशेस होते हैं, राइट. दे कैन बी अ वेरी गुड फूड ब्लॉगर ऑल्सो, बट मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि एक वहाँ पे गए, रेस्टोरेंट में गए और फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिए इस तरह से कैमरा वैमरा लगा के. सो बेसिकली कभी कभार उनके दे पुट ऑन वेट, टू मच वेट दे पुट ऑन. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है ऑलवेज दे हैव अ स्माइलिंग फेस, लेकिन इस स्माइल के अंदर क्या राज छुपा है वो आपको पता नहीं चलेगा. दे आर वेरी सीक्रेटिव पर्सन ऑल्सो, सीक्रेट रखते हैं, बहुत ओवर एम्बिशियस. उसके वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा धोखा मिला है ज़िंदगी में,
क्योंकि इन्होंने भरोसा किया है लोगों के ऊपर और उनका जो लॉस हुआ है कहीं ना कहीं पे फाइनेंशियल लॉस काफ़ी ज़्यादा हुआ है। दूसरा चीज़ है कि आपके साथ इनका एज गैप ज़्यादा हो सकता है, बेसिकली मुझे दिख रहा है विद द किंग ऑफ स्वर्ड्स और यहाँ पे है क्वीन ऑफ स्वर्ड्स। कैन यू सी दैट? किंग ऑफ एथेंस एंड क्वीन ऑफ एथेंस। मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है बोथ यू विल बी बोथ, दोनों ही हार्ड कोर डिसिप्लिन्ड इंसान होंगे। मे बी दोनों की एक तरह से जिंदगी रहा होगा कुछ इस तरह से कि आपके भी बहुत ज़्यादा मतलब आपका भी डाउनफॉल काफ़ी हुआ है, आपका भी सक्सेस काफ़ी ज़्यादा हुआ, इनका भी इस तरह से है। एंड यू मीट देम एट अ मोर मच्योर्ड एज। सब लोगों के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए जिनका सेकेंड मैरिज या थर्ड मैरिज है। सो यू आर गोइंग टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस जब आप खुद अपने काम को हैंडल करना पूरी तरह से आपको आ रहा है, जब आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं हैं, आपका काम कोई और कर दे ये आप बिल्कुल नहीं चाहते। इवन आप दोनों ही नहीं चाहोगे कि कोई आपके काम पे आके इंटरप्ट करे, डिस्टर्ब करे, आप खुद का काम खुद करना जानते हैं। एंड यू बोथ विल हैव गुड स्टेमिना, कॉन्फिडेंस, एनर्जी लेवल दोनों का अच्छा है। फॉर फीमेल, अगर आप मेल के लिए देख रहे हैं, सो दे आर क्वाइट लॉजिकल एंड वेरी मच दे डू डिबेट, बहुत डिबेट करते हैं, तर्क बहुत ज़्यादा करते हैं। तर्क करना मतलब ये नहीं है कि हीटेड आर्गूमेंट्स, बट तर्क करना ये भी बात है कि कुछ चीज़ को जस्टिफाई करना, दे डू जस्टिफाई। फॉर फीमेल ऑल्सो दे आर लाइक दैट। अगर फीमेल के लिए आप देख रहे हैं, ज़्यादा ये सोसाइटी के लोगों के साथ इतना ज़्यादा घुल मिल के बात नहीं करते हैं, सिर्फ अपने परिवार तक सीमित रहते हैं। कभी कभार इनके अगर फ्रेंड्स बन जाते हैं तो उनके साथ गप्पे शप्पे मार देते हैं, और जनरली अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, फॉर फीमेल, अगर फीमेल को देख रहे हैं, ज़्यादा लोगों को वो आने के लिए नहीं देना चाहते हैं। एंड दे डोंट वॉन्ट टू मिक्स दैट मच, उतना मिक्स वो नहीं होना चाहते। मे बी आप ऐसे हो, आपके पार्टनर कुछ इस तरह से है, और दोनों का ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपके पार्टनर अगर मेल है सो यहाँ पे सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा नाम रोशन ही इनका है। मतलब लोग ऐसे समझते हैं कि अच्छा नौकरी करते हैं, इनके पास अच्छा क्लाइंट्स आते हैं, इनका घर बहुत सुंदर है, इनके माता पिता बहुत स्ट्रिक्ट है, ये लोगों की मदद भी करते हैं जब ज़रूरत पड़ता है, फाइनेंशियली भी मदद कर किया है उन्होंने, हेल्प जाके किया है, ठीक है, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आई डू फाइंड लाइक दैट। दूसरा है कि बेसिकली इनको एक प्राइवेट रूम चाहिए। हर एक कमरा होगा लेकिन इनका एक प्राइवेट रूम होगा जहाँ पे ये बैठ के सारे फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी ये हैंडल करेंगे, चाहे वो बाहर काम करते हो या अंदर, उनका खुद का एक रूम होगा अगर ये उस स्टेज पे है। एंड आई डू बिलीव लाइक दैट कि ये इंसान लेबोरेटरीज में रिसर्च करना, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स करना, बहुत ज़्यादा ट्रायल एरर्स के माध्यम से ही सीखे हैं। बहुत इन्होंने गलती किया है और गलती से ही सीखा है। चोट पहुँचा है इनको बहुत ज़्यादा दिल में, क्योंकि हो सकता है कि किसी ने उनका, मे बी यू कैन सी लाइक दैट, किसी ने उनका देख लिया था ये क्या कहाँ पे ये अपने पैसे को स्टोर कर रहे या लॉकर में रखे थे, तो कहीं ना कहीं पे दिस पर्सन हैड सीन दैट, इन्होंने, इसने ऐसा देख लिया था। तो हो सकता है कि इनके घर परिवार में ही कोई हो, ठीक है, और बाद में क्या किया, इनके साथ धोखा किया है उनसे, हो सकता है कि सामान इधर उधर हो गया, या इनके हो सकता है कि एम्प्लॉयज़ ने ऐसा किया, ठीक है, कुछ तो है रिलेट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। दे कैन हैव टैटूज और यू कैन से दे हैव पियर्सिंग, आईब्रोज में पियर्सिंग हो सकता है, राइट ईयर में हो सकता है अगर ये मेल है, चेस्ट बहुत ज़्यादा ब्रॉड एंड ओके, दे आर वेरी गुड इन राइटिंग एंड वेरी गुड इन गिविंग स्पीच, लोगों को स्पीच देना, प्रिपरेशन, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई शो हो रहा है, सपोज कम्युनिटी में कुछ प्रोग्राम रखा है, ठीक है, तो ये शो एंकर हो सकता है, क्योंकि ये इंसान जो है ना बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं क्राउड को, जनता को संभाल सकते हैं, ऑडियंस को संभाल सकते हैं, सो दे आर गुड इन हैंडलिंग।
अगर आप ऑलरेडी मैरिड थे एंड यू गॉट डिवोर्स और ये इंसान डिवोर्स्ड है, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान जो है आपके साथ अच्छा से ज़िंदगी उनका होगा, क्योंकि एक बार उन्होंने सीख लिया है कि रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन करना है. सो देर विल बी गुड रिलेशनशिप विथ यू एंड डेफिनेटली आई कैन फाइंड टू बेबीज. इस तरह से मुझे आपका दिखाई दे रहा है. फ्यूचर प्लान्स इज लाइक दैट. सो कभी कभी ये भावुक हो जाते हैं, कभी कभार उनको लगता है दुनिया में हर एक चीज को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है. ठीक है, सो दे समटाइम्स कंट्रोल देयर माइंड, समटाइम्स दे कांट. अलेगा 34. सो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि क्वाइट सपोर्टिव, जैसे मैंने आपको कहा, ये हमेशा ही लोगों को एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, इनके हाथ में है, लोगों को नौकरी भी दे सकते हैं. जो उनसे जूनियर है, जो उनसे कमजोर है, तो उनको वो अच्छे से सेटल करने के लिए वो कभी भी हिचकिचाएंगे नहीं, हेजिटेट नहीं करेंगे. दे विल नॉट बी रिलक्टेंट, दे विल गिव द जॉब्स. इनके पावर जितना तक है, इनका क्षमता जितना तक है, ये उनको हेल्प करेंगे. लेकिन ये बिल्कुल उन लोगों को मदद नहीं करेंगे जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश है, उनके लिए कुछ भी नहीं करने के लिए तैयार होंगे. वो मदद करेंगे उन लोगों को जो उनसे काफ़ी ज़्यादा जूनियर है, ऐसा आप सुन लो. ठीक है, अगर ये उनका फ्रेंड अच्छा खासा पोजीशन में है तो भी इनको कभी भी मदद नहीं करेंगे. दे आर लाइक दैट. मॉनसून सीजन कैन बी इम्पोर्टेंट, बारिश का मौसम. स्ट्रांग एंड मस्क्यूलर मैंने आपको कहा था. सीक्रेट अफेयर्स एंड कोर्टशिप इनका हो सकता है. ठीक है, पहले मे बी बिफोर मैरिज. ऑर्गेनिक थिंग्स, बहुत ज़्यादा हर्बल प्रोडक्ट्स, जहाँ पे कोई भी फर्टिलाइजर नहीं है, पैराबेन फ्री उस तरह का चीज़, सल्फर फ्री उस तरह का चीज़ यूज़ करते हैं. लियो हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में भी हो सकते हैं. यूनिकॉर्न, आपको यूनिकॉर्न दिखाई देगा. ठीक है, यूनिकॉर्न इज एन एंजल, एंजल हॉर्स. चाबी, जितना भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर सकते हैं. वेरी लिबरल एंड इंडिपेंडेंट, मैंने आपको यही बताया कि सेल्फ डिपेंडेंट, कभी भी किसी का भी हेल्प इनको लेना पसंद नहीं है, बिल्कुल ना. यू ऑलरेडी नो दैट पर्सन, योर एक्स, आपके एक्स हो सकते हैं. टोन्ड बॉडी, भले ही पतले हो सकते हैं बट टोन्ड होंगे. ओके, एंड वी डू हैव फेदर्स एंड रेवन्स, आपको फेदर्स दिख सकता है या आपको कवे बहुत ज्यादा दिख सकता है. ठीक है, अभी हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ इनिशियल्स कि इंसान कौन है. हु इज दिस पर्सन? के एच एफ ओ 116 ई एच 2. देखो ये सारे डेट्स इंपॉर्टेंट हो सकता है या लाइफ पाथ नंबर हो सकता है इनका. W N, बार बार न्यूजीलैंड क्यों आता है रीडिंग में? आई डोंट नो, मे बी सम ऑफ यू स्टे देयर, सम ऑफ यू वांट टू गो देयर. न्यूयॉर्क, न्यूजीलैंड, फॉरेन कंट्रीज. ओके, न्यू ईयर पे भी आप मिल सकते हैं इनको, हो सकता है मंडे के दिन मिल सकता है आप, मे बी मंडे संडे वट एवर. ओके, इनके पेट्स हो सकते हैं. ओके, साहिल हो सकता है इनका नाम. पेन, कलम का काफी यूज करते हैं, सो दे आर गुड इन कम्युनिकेशन स्किल्स, स्पेशली राइटिंग स्किल्स. ओके, एंड यू मे गो फॉर अ हनीमून ट्रिप इन स्विट्जरलैंड और समथिंग लाइक दैट. कभी कभार हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ों के लिए ना कह दे. मे बी यू विल बी इन द सेकेंड ईयर. हर्ष किसका नाम हो सकता है? फरहान किसका नाम हो सकता है? नीना हो सकता है नाम. ओके, सन, आप दोनों का एक बेटा हो सकता है या ये वन एंड ओनली चाइल्ड होंगे अपने पेरेंट्स का. ओके, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो सकता है जब आप मिल रहे हो इनको. इनके नाम पे दो एन आ सकता है. ओके,
सूरज नाम हो सकता है किसी का, ओके, सिद्धार्थ हो सकता है, ओके, एंड निशा हो सकता है, नैना हो सकता है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर ग्रुप नंबर ए। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड कीप वॉचिंग डिविनिटी टैरो। सिक्स फॉर ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस एंड विल एक्सपोज डार्कनेस। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव, नहीं है ऑफ कोर्स आप जानते ही है, एंड इट इज अ जनरल प्रेडिक्शन, ठीक है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudarshana1369, एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, देख लेते हैं। सो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 4th, 5th, 7th, 8th, 9th, 13th, 14th, 17th, 18th, 21st, 22nd, 23rd, 25th, 26th, 30th एंड 31st, ऑफ कोर्स ये रीडिंग आपका है। एंड अगर आपने ये पिक्चर सेलेक्ट किया है, ट्रूथ बी टोल्ड। सो लेट्स सी। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन की मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे फॉर ग्रुप नंबर बी। हम चैनलाइज स्टेटमेंट्स देखेंगे, इनिशियल्स देखेंगे। सो प्लीज टैरो रीडिंग के बाद उसको स्किप मत करना, ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा होता है, और इनिशियल्स भी हम देखेंगे। सो लेट्स सी, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 21st, 22nd, 23rd, 25th, 26th, 30th and 31st। सो हु विल यू मैरी एंड हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस, आपके फ्यूचर पार्टनर कौन होंगे वो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है जस्टिस, ओके। यहाँ पे है चैरियट, रथ। सो बहुत शुभ की बात, मतलब शुभ घटनाएं हैं। देखो जिस वक्त भी आप देख रहे होंगे डेफिनेटली टाइमलेस होगा, बट आप काफी ज्यादा भाग्यशाली है क्योंकि रथ के समय पे ही ये रीडिंग में रथ आया है, दैट इज द चैरियट, ओके। ऑलराइट, वी डू हैव द फूल, तीन मेजर आर्कना है साइड बाय साइड। टेन ऑफ पेंटिकल्स ही आया था, फिर मैंने वापस कर दिया क्योंकि उस दौरान शफल कंप्लीट नहीं था। दिस इज द डेविल, द वर्ल्ड, फाइव ऑफ कप्स, द मून, फोर ऑफ वैंड्स, वाओ, एंड हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आज मेजर आकाना से भरा हुआ है रीडिंग। नंबर्स बता देते हैं, 11 इज इम्पॉर्टेंट, 7 इज इम्पॉर्टेंट, ओके। आई होप यू कैन सी देम प्रॉपरली। अगेन वी डू हैव 10 इज इम्पॉर्टेंट, 15 is important, of course, 21st is important, 5 is important, 18 is important, and 4 is important. Okay, the month of April, May, March, July, October, May, again, November, so they are very important. June B. लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो, ठीक है। कैंसर, कर्क राशि, लिब्रा, तुला राशि, कुंभ राशि, एक्वेरियस, सो एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर, पाइसेस, मीन राशि। वी डू हैव एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनुराशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। सो सारे साइंस यहाँ पे आ चुके हैं, सो यू डोंट नीड टू वरी। नाउ स्टार्टिंग से हम कहना शुरू करें, प्रेडिक्शन हम देना शुरू करें। कुछ लोगों के लिए देखो, कौन देख सकता है रीडिंग, सब लोग देख सकते हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ योर मैरिटल स्टेटस, चाहे आप अनमैरिड है, मैरिड है, ठीक है, आप डिवोर्स्ड है, आप सेकेंड मैरिज के लिए देख रहे हैं, थर्ड मैरिज के लिए देख रहे हैं, देख सकते हो। नाउ बेसिकली ये इंसान
कौन होंगे। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जैसे आप एक चीज सोच लेना, जैसे रथ यात्रा में क्या होता है, बहुत पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट किया जाता है, बहुत पहले से, ठीक है। और जब एकदम सही समय आता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा मैन्युअली काम किया जाता है, कोई मशीन से बनाते नहीं हैं एक्चुअली रथ को। अगर हम उसका ओरिजिन देखें, अगर आप उसका ओरिजिन पता करो, तो हाथ से ही बनाया जाता है वो, क्योंकि उसी में वो जितना भी कारपेंटर्स है, ठीक है, उस उनका आर्टिस्ट का कारीगरी वहीं पे है, ठीक है। और चाहे वो मूर्ति का अरेंजमेंट हो, जितना प्रसाद चलेगा, सबका प्लानिंग पहले से होता है। सो दे आर क्वाइट बैलेंस्ड बेसिकली, मतलब जिस दिन होगा शुरुआत रथ यात्रा, उसी दिन से पूरी तरह से सब प्रिपरेशंस कंप्लीट हो जाते हैं। नाउ बेसिकली आपके पर्सन भी ऐसे ही होंगे, सब कुछ प्लानिंग कर लेते हैं पहले से, प्रीवियसली, प्रीवियस एवरीथिंग इज डन, ठीक है, एवरीथिंग इज प्लान्ड अकॉर्डिंग टू द डेट, हर एक चीज प्लान होगा। बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो इंसान काफ़ी रोमांटिक है, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक होंगे, एंड आपको सरप्राइज देने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको गिफ्ट भेजना, आप जानते भी नहीं है, लेकिन आपके एड्रेस में गिफ्ट पहुँच जाएगा। ऑफ कोर्स मेल हो या फीमेल हो, डज नॉट मैटर, दे आर वेरी मदरली नेचर, ठीक है, दे आर वेरी सिंसियर एंड केयरिंग एटीट्यूड, बहुत ज़्यादा है। लोगों को अपने घर में बुला के, ऐसा नहीं है उनके घर से कोई बिना खाए या बिना चाय पिए नहीं जाने देते वो किसी को, काफ़ी अच्छा एंटरटेन करते हैं लोगों को। दे कैन बी अ वेरी गुड, यू कैन से लाइक डांसर, दे कैन बी अ वेरी गुड म्यूजिशियन, ठीक है, पेंटर, स्केच आर्टिस्ट, ठीक है, राइटिंग पोएम्स, कविता लिखना, ठीक है, नृत्य, संगीत, इनमें काफ़ी इंटरेस्टेड है रहते हैं, ठीक है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों ऐसा लग रहा है कि ये जियोमेट्री, आप जानते हैं मैथमेटिक्स है, जियोमेट्री में काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं, सब जियोमेट्रिकल शेप्स, दे कैन बी साइंस स्टूडेंट ऑल्सो। एक्चुअली विचार कभी भी ऊपर ऊपर से नहीं करते, सुपरफिशियल लेवल पे नहीं करते, एकदम अंदर तक जाते हैं। इनको अगर कोई बता दे कि देखो ये इंसान ऐसा है, तो ये मानेंगे नहीं, या पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद ही ये इंसान मानेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, अच्छा ठीक है। दोनों साइड सिचुएशन को देखेंगे, दो पहलू को देखेंगे, तभी जाके विचार करेंगे, इससे पहले नो। अगेन दिस पर्सन बाय प्रोफेशन दे कैन बी अ ट्रैवलर, ट्रैवल ब्लॉगर, दे कैन बी इन द फील्ड ऑफ लॉ, दे कैन बी इन द फील्ड ऑफ साइंस, दे कैन बी अ वेरी गुड मैथमेटिशियन, ठीक है, दे कैन बी अ गुड मैथ्स टीचर, दे कैन बी अ टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन अगर मेल है, तो कोल माइनिंग, पेट्रोलियम, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, दैट इज LPG, इस सारे डिपार्टमेंट्स के साथ एसोसिएट हो सकते हैं। अगर ये रईस खानदान से है, जो मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए तो है ही, अवश्य है यहाँ पे, तो उनके खुद के पेट्रोल पंप या गैरेज स्टेशन हो सकता है, ठीक है। रीफ, यू कैन से दैट एक मोटेल होगा, उसके साथ एसोसिएटेड गैराज होगा, कार मैकेनिक्स वहाँ पे होगा, और उसके पास ही पेट्रोल पंप हो सकता है। नाउ बेसिकली ये इंसान हो सकता है कि फॉरेन के साथ डील करते हो, पैसा काफ़ी ज़्यादा होगा, बट हो सकता है कि उनका पुरखों ने उनके लिए रखा है, सो एंसेस्टर्स मनी दे कैन हैव, और देयर पेरेंट्स आर क्वाइट रिच। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये ऐसे मॉम बन के दिखाएंगे, अगर ये फीमेल है, ऐसा मॉम बन के दिखाएंगे जो कभी ना, जैसे बाहर भी काम करना परफेक्शन से, घर के अंदर भी काम करना है एक्यूरेसी से, कोई भी मिस्टेक करने से पहले ये देख लेते हैं कि मैं मिस्टेक तो नहीं कर रही हूँ, अगर हो जाते हैं तो वो मिस्टेक और सेकेंड टाइम रिपीट नहीं होगा। ये काफ़ी आपको कॉल्स कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, आपको बोल सकते हैं कि चलो आज मूवी देखने जाए, आज ये करे, आज वो करे, ठीक है, आज हम खाना खाने जाए, पूरी तरह से बिल्स ये पे करने के लिए तैयार है। नाउ बेसिकली आई डू फाइंड लाइक दैट, इनको हेल्दी फूड खाना बहुत पसंद है, दे कैन हैव लाइक ऑर्गेनिक फूड,
पेस्टिसाइड फ्री फूड, ठीक है, और आई डू फाइंड यू कैन बी बोथ टू इन्फ्लुएंस अवर सोलमेट्स. आई डोंट थिंक सो दैट इट इज अ प्योर सोलमेट कनेक्शन, बट मुझे यहाँ पे टू इन्फ्लुएंस ज्यादा से ज्यादा क्रॉस वाइज नजर में आ रहा है. ठीक है, हो सकता है आप लोग बिछड़े फिर मिले, फिर बिछड़े फिर मिले, उस तरह से दिख रहा है. मे बी जब आप लोग मिल रहे होंगे तब आप दोनों की एनर्जी बिल्कुल सिमिलर नहीं होंगे, ठीक है, डिफरेंट होंगे, मैच नहीं कर रहे होंगे, और गलत समय पे हो सकता है कि आपकी मुलाकात हो, बट एवरीथिंग विल बी वर्किंग आउट ऑन इट्स ओन. दूसरा चीज़ है कि ये काफ़ी इनके जहाँ पे घर होंगे वो काफ़ी उनके घर के जो भी मेंबर्स होंगे, मे बी दे लिव इन ज्वाइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली, जो भी हो काफ़ी वो स्ट्रिक्ट रहते हैं. हो सकता है उनके घर में रात के समय पे कोई टेलीविजन नहीं चलना, ठीक है, उस तरह से हो सकता है. इट्स लाइक दैट. नाउडेज पीपल यूज मोबाइल सो दे डोंट नीड टेलीविजन, बट टेलीविजन रहते हुए भी ये ऐसा नहीं कि हर समय ही टेलीविजन ऑन होता है, नो, वेरी स्ट्रिक्ट. ये इंसान कोई भी काम कर सकते हैं, दे कैन स्विच देयर जॉब्स वेरी फ्रिक्वेंटली, मल्टीपर्पज, ओके, दे हैव दैट थिंग, मल्टी स्किल्ड पर्सन, चाहे उनको जो भी काम दो निष्ठा से करेंगे, कोई भी नया रिस्क उठाने के लिए तैयार. उनको पता है वो खाई में भी गिर सकते हैं बट वो रिस्क तो उठाएंगे, ठीक है, फाइनेंशियली मैं नहीं बोल रही रिस्क उठाएंगे, बट अपने ही फिजिकल प्रेशर से, ठीक है, आप बोल रहे हो ना कि मौजूद होके वहां पे, ओके, और बिकॉज ऑफ दैट टैलेंट दे कैन फ्लाई एनीवेयर, कहीं पे भी काम कर सकते हैं. ऐसा बोला जाता है ना, जिसका हुनर होता है वो रेगिस्तान में भी काम कर सकते हैं, उसी तरह से. दे डोंट गिव ब्लैंक एक्सप्रेशन, ब्लैंक एक्सप्रेशन तो वो कभी भी नहीं देंगे, पूरी तरह से ये मतलब एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, बट ये काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट करते हैं उनकी पास्ट को लेकर, बहुत रोते हैं, ठीक है. इनकी जिंदगी में सब कुछ चीज़ स्लो होता है, आपकी ज़िंदगी में भी फास्ट हो सकता है, बट ये बहुत स्लो है, स्लो डिसीशन मेकर है, और स्लो भी इनके ज़िंदगी में होता है. तो सैटर्न साइकिल्स तो हो सकता है कि इनके ज़िंदगी में सैटर्न साइकिल्स का काफ़ी ज़्यादा हो, और हो सकता है कि इनकी जो कुंडली में है काफ़ी शनि देव का वहाँ पे बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है, तो उनको जब मिलेगा तो छप्पर फाड़ के मिलेगा, बट जब भी मिल रहा है बहुत स्लो फेज में मिल रहा है, बिकॉज सैटर्न ऑलवेज गिव्स द लेसन. दूसरा चीज है कि हमेशा बात करना स्पिरिचुअलिटी का, आध्यात्मिक चीज या धार्मिक चीजों के ऊपर, ट्रूथ बी टोल्ड, सत्य उनके लिए एक की वर्ड है, सत्य ही है और कुछ नहीं. जैसे ट्रूथ सीकर, ट्रूथ बी टोल्ड, सत्य ही बोलना और कुछ नहीं, सत्य से बढ़कर और कुछ नहीं है उनकी जिंदगी में, झूठ वो तो होता ही नहीं है, राइट. सो बेसिकली मुझे यहाँ पे देखना है विद द हेल्प ऑफ दिस कार्ड्स, हु इज दिस पर्सन. आंखें काफी सुंदर है, फॉर फीमेल दे आर फेयर कम्प्लेक्शन एंड वेरी ग्लिटरिंग आईज, स्पार्कलिंग आईज. फॉर मेल एवरेज टू टॉल हाइट, एवरेज मुझे दिख रहा है. कुछ लोगों के लिए इंसान की आईब्रोज बहुत सुंदर है, आंखें बहुत बड़ी बड़ी हैं. दे लव ब्राउन कलर, ग्रीन, लाइट ब्लू कलर क्लोथ्स एंड यस, ये ऑफन अपने स्टूडेंट्स, अगर ये टीचर है तो सिखाते हैं. देखो एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकता है, मे बी ओके. सो दिखाते हैं, देखो ऐसा गलत चीजों में कभी भी ऐसा नहीं. सो दे कैन बी वेरी गुड गाइड, मोटिवेटर, वर्कहॉलिक, बहुत काम कर सकते हैं, मेहनती जिसको बोला जाता है, डायनामिक, हमेशा लेजी नहीं है, दे नॉट लेजी. लैडर, सीढ़ी से उठना है, उनको शॉर्टकट नहीं अपनाना है. फॉन्ड ऑफ कॉस्मेटिक्स, मे बी कॉस्मेटिक्स का मतलब ये नहीं कि केमिकल हो, हर्बल कॉस्मेटिक्स भी यूज कर सकता है लोग. कैंगारू, आई टोल्ड यू कैंगारू, हाँ, सब माता ही अपने बच्चे को प्यार करते हैं, बट कैंगारू टेक्स एक्स्ट्रा केयर ऑफ बेबी, उसका देखना, वहाँ पे सैक मतलब झोला जैसा है, उसके अंदर बच्चे को रखते हैं और जंप भी मारते हैं. विंटर सीजन हो सकता है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो, मे बी नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी.
शो ऑफ वेल्थ टू अदर्स, दिखाते हैं लोगों को, शो ऑफ करना है उनको, मेरे पास ये पैसा है, मेरे पास ये घर है, ये सब शो ऑफ करना है। राउंडेड फेस, गोल मुंह हो सकता है, मस्क्यूलर अट्रैक्टिव बॉडी फॉर मेल, ठीक है। बिलीव इन इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल चीजों के ऊपर विश्वास रखते हैं, मे बी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडीज जैसे हमारे दुनिया में जो है उससे भी ज्यादा वो मानते हैं, मैंने आपको बताया था यूनिवर्स में। योर नेबर, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, ओके। अक्टूबर मंथ कैन बी इम्पोर्टेंट, एंड लव मैरिज आपका होगा। ट्विन फ्लेम कनेक्शन, यस, विद द मून एंड विद द चैरियट, आई डिड फाइंड, ऑफ कोर्स आई फाउंड। हॉर्स, तेजी से आपका रिलेशनशिप बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन क्या होता है ना, हॉर्स को भी लगाम में रखना पड़ता है, सो द थिंग्स कैन बी लाइक, ये जो है ना इसने लगाम खींच के रखा है, वरना ये दो अलग अलग डिरेक्शन में भागेंगे। सो यूनिवर्स भी आप दोनों की जो लगाम है वो खींच के रखेंगे, वरना आप लोग अलग अलग डिरेक्शन में भाग रहे हो, बिकॉज बोथ ऑफ योर पर्सनैलिटीज आर जस्ट ऑपोजिट, लाइक ट्विन फ्लेम, जस्ट ऑपोजिट, 6 and 9, इट्स लाइक दैट। सो लेट्स सी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पॉइंट टू बी नोटेड, माई लॉर्ड, इस तरह से बोलते होंगे अगर ये लॉयर है। 7, 2, 6 या 9, 8 इज इम्पॉर्टेंट, कैन बी लाइफ पाथ नंबर्स। टी एल एन टी अगेन, लार्सन एंड टूब्रो, आई डोंट नो क्यों आ जाता है इतना बार बार, ओके। देखो लीना यहाँ पे है, ओके, अगेन ऋषभ है, ओके, राहिल, ओके, टीना, ओके, लेकिन भी सीनियर, यानी उनके नाम पे दो दो बार एस आ सकता है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो सकते हो आप। टीटी, उनके नाम पे दो दो बार टीटी आ सकता है, ओके। नेशनल हाईवे से हो सकता है, ये काफी ट्रैवल करते हो नेशनल हाईवे से, बाई रोडवेज यू कैन से लाइक दैट, ओके। एंड FM में हो सकता है कि अपने दिन की थकावट जो है वो FM में एक सॉन्ग बजा दिया और उनकी थकावट जो है वो खत्म। ऑलराइट, दे मे वर्क इन FM ऑल्सो, ओके। रिया नाम हो सकता है, रीना हो सकता है, एंड फरीदा हो सकता है, ओके, ओके। दे कैन वर्क इन प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, EPFO मे बी, बिकॉज वही आ रहा है, देखो EPFO, या हो सकता है इनके पापा हो सकता है उस ऑर्गेनाइजेशन में है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, TRP काफी पॉपुलर हो सकता है, अगर वो चैनल है उनका या उनका कुछ ऐसा है, पॉडकास्ट करते हैं तो काफी पॉपुलर होंगे। रेनबो ट्राइब, आप लोग एक ही सोल, मतलब यू बिलोंग टू एंशेंट सोल, बोथ ऑफ यू रेनबो ट्राइब, ऑलराइट। सो आप लोग बाकी देख लेना, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर ग्रुप बी, आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग डिविनिटी टैरोस, एक्सपर्ट ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस एंड विल एक्सपोज डार्कनेस। थैंक यू गाइज, एंड लव योर लॉर्ड, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।